भाई क्या कर रहे हैं? बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 के विनर एल्विश यादव इन दिनों वैष्णो देवी के दर्शन करने गए थे, लेकिन वहां से अब उनका एक एक्सक्लूसिव वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एल्विश यादव पिटाई के डर से भागते नजर आ रहे हैं। जी हां, एल्विश यादव के साथ मौजूद हैं उनके सारे गार्ड्स और उनके खास दोस्त प्रोड्यूसर राघव शर्मा। ऐसे में राघव शर्मा का गिरेबान पकड़ते नजर आए जम्मू के लोग। जम्मू कटरा में वैष्णो देवी के दरबार के पास राघव शर्मा और एल्विश यादव को देखा गया, जिसके बाद कुछ भीड़ राघव शर्मा का गिरेबान पकड़ती नजर आई। जिस बीच एल्विश ने जब पूछने की कोशिश की तो वहां लोगों ने राघव और एल्विश को घेर लिया, लेकिन एल्विश यादव के कुछ खास दोस्तों ने उनकी जान बचाकर उनको साइड से भगा लिया, जिसकी वजह से एल्विश यादव तो वहां से भाग निकले, लेकिन भीड़ के हाथ चढ़ गए राघव शर्मा। राघव शर्मा लगातार ये पूछते नजर आए कि आप हैं कौन, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो भीड़ की तरफ से एक ही शोर सुनाई दे रहा है कि आप यहां बदतमीजी क्यों कर रहे थे। आपको बता दें कि एल्विश यादव का रीसेंट एक इंस्टाग्राम वीडियो सामने आया था जिसमें वो माता वैष्णो देवी के दर्शन करते नजर आ रहे थे, जिसके बाद माता वैष्णो देवी के दरबार से उनका ये वीडियो और भी ज्यादा हैरान कर देने वाला सामने आया है। हालांकि कुछ फैंस इस पर अपने रिएक्शन दे रहे हैं, लोग एल्विश यादव का मजाक बना रहे हैं, तो वहीं एल्विश यादव की आर्मी बाकी सारे फैंस क्लब और द खबरी, जिसके ट्वीट की वजह से वीडियो वायरल हुआ, उस पर भी अपना धाबा बोल चुके हैं। दरअसल खबरी ने इस वीडियो को पोस्ट करते हुए ट्वीट में लिखा, एज पर रिपोर्ट्स राघव शर्मा वाज ऑलमोस्ट बीटन एंड एल्विश यादव रैन अवे एज दिस पर्सन वांटेड टू टेक पिक्चर्स एंड इंटरव्यू एल्विश व्हिच ही डिनाइड एंड ही गॉट एंग्री ऑन देम लेटर ही गॉट व्हाट ही वांटेड। आपको बता दें कि इस ट्वीट के हिसाब से कुछ लोग थे, एक इंसान था जो एल्विश यादव का इंटरव्यू लेना चाहते थे, लेकिन एल्विश ने मना कर दिया। हालांकि उसके बाद एल्विश यादव के साथ उसी शख्स का फोटो वायरल हो रहा है जिसमें नजर आ रहे हैं एल्विश यादव और वो शख्स जो राघव शर्मा का गिरेबान पकड़ रहा था, और साथ ही उनके दोस्त करप्ट ट्यूबर भी दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस पर आपकी क्या है राय, आपका क्या है रिएक्शन, कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। साथ ही बॉलीवुड से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहे फिल्मी बीट।